गिनती की पुस्तक अध्याय 26। गिनती की पुस्तक अध्याय 26। इसराइलियों की दूसरी बार गिनती लिए जाने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा और एलियाजर नाम हारून याजक के पुत्र से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के होने से इसराइलियों के बीच युद्ध करने के योग्य है, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। सो मूसा और एलियाजर याजक ने यरीहो के पास यर्दन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में उनसे समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के लोगों की गिनती लो, जैसे कि यहोवा ने मूसा और इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन, जो इसराइल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक, जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू, जिससे पल्लुइयों का कुल चला, हेस्त्रोन, जिससे हेस्त्रोनियों का कुल चला, और कर्मी, जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलियाब था, और एलियाब के पुत्र नमुएल, दातान और अबिराम थे। ये वही दातान और अबिराम है जो सभासद थे। और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 पुरुषों के आग में भस्म हो जाने से वह मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये हैं, अर्थात नमुएल, जिससे नमुएलियों का कुल चला, और यामीन, जिससे यामिनियों का कुल चला, और याकीन, जिससे याकिनियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाउल, जिससे शाउलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल के ये ही थे। इनमें से 22,200 पुरुष गिने गए। और गाद के पुत्र जिनसे उसके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन, जिससे सपोनियों का कुल चला, और हागी, जिससे हागियों का कुल चला, और शूनी, जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी, जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी, जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद, जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली, जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल के यही थे। इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। और यहूदा के एर और ओनान नाम पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला, जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस, जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह, जिससे जेरहियों का कुल चला, और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्त्रोन, जिससे हेस्त्रोनियों का कुल चला, और हामुल, जिससे हामुलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे। इनमें से 76,000 पुरुष गिने गए। और इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात तोला, जिससे तोलियों का कुल चला, और पुआ, जिससे पुवियों का कुल चला, और याशुब, जिससे याशुबियों का कुल चला, और शिमरोन, जिससे शिमरोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल के ये ही थे। इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। और जुबलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे, अर्थात सेरेद,
जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिनसे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जुबलिनियों के ये कुल थे, इनमें से 60,500 पुरुष गिने गए, और यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे मनश्शे और एप्रेम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे अर्थात माकीर, जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, और गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के तो पुत्र ये थे अर्थात इएजेर, जिससे इएजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, और असरियल जिससे असरियलियों का कुल चला, और शेकेम जिसमें शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर जिससे हेपेरियों का कुल चला, और हेपेर के पुत्र सलोफात के बेटे नहीं केवल बेटियां हुए। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। मनश्शे वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे, और एप्रेम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात शुतेहल, जिससे शुतेहलहियों का कुल चला, और बेकेर जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन जिससे तहनियों का कुल चला, और शुतेलह के यह पुत्र हुआ अर्थात एरान, जिसने एरानियों का कुल चला। एप्रेमियों के कुल यही थे, इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग यही थे, और बिन्यामिन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकलते थे वे यही थे अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहिराम जिससे अहिरामियों का कुल चला, और शपूपाम जिससे शपूपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला, और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से तो अर्दियों का कुल और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामिनी यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे, और दान का पुत्र जिससे उसका कुल निकला था अर्थात शुहाम, जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था, और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे, और आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले थे वे ये थे अर्थात इम्ना, जिससे इम्नियों का कुल चला, इश्री जिससे इश्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मल्कीएल जिससे मल्कीएलियों का कुल चला, और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल यही थे, इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए, और नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे अर्थात यहसेल, जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, एसेर जिससे एसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुल के अनुसार नप्ताली के कुल के यही थे, और इनमें से जो गिने गए थे वे 45,400 पुरुष थे। सब इसराइलियों में से जो गिने गए वे यही थे अर्थात 601,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग
और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उनके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इसराइलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए थे वे ये है, अर्थात गेर्शोनियों से निकला हुआ गेर्शोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिबनियों का, हेब्रानियों का, महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल, और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकिबेद है। वह लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी, और वह अमराम से हारून, मूसा और उसकी बहन मरियम को जन्म दिया था, और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू तो उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष एक महीने के व उससे भी अधिक अवस्था के थे, वे 23,000 थे। वे इसराइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तट पर इसराइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इसराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।